व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे टैमरिन राइस, वो भी रात के बचे हुए चावलों से। चलिए शुरू करते हैं। टैमरिन राइस बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने के बाद इसमें राई डालेंगे। मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को थोड़ा रोस्ट हो जाने के बाद हम इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही साथ इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे 1/4। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसमें आप हरे प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें इमली का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने 1 चम्मच इमली का पेस्ट लिया है। नमक ऐड करेंगे। आप ध्यान रखें, अगर चावल बनाते टाइम भी आपने नमक ऐड किया है तो सिर्फ 1/4 चम्मच ही नमक लें। चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। ये हमने रात के बचे हुए चावल लिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश चावल भी ले सकते हैं। हमारे टैमरिन राइस एकदम रेडी है। अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा टैमरिन राइस एकदम रेडी है।